उसका पेट पालने वाला अल्लाह है, तुम पाल रहे ना। चलो तुम बताओ, तुम कितने हिंदू भाई बहनों को नौकरी दिए, कितने हिंदू भाई बहनों को ही लोन दिए, कितने हिंदू भाई बहनों को ही फ्री में पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो मुसलमान की आड़ में सिर्फ पैसे वालों को पैसा वाला बना रहे और गरीब हिंदू को भी उससे दूर रख दे रहे तरक्की से। ये सब सोचते हुए कांग्रेस पार्टी के 5 एजेंडे आपके सामने इलेक्शन में है। ये एक औरत ही आप लोगों के सामने ठहरी है जो बीजेपी से फासिस्ट ताकतों से लड़ रही है। वो औरत के साथ कई बेटे, कई भाई, कई सरपरस्त ठहरे हुए हैं कि हाँ तुम लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो अगर आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो एक बार हाथ उठाइए कि आप लोग कनीज फातिमा मैडम के साथ हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपकी इसी हिम्मत पे मैडम को भी हम ये बोलेंगे कि आज लियाकत साहब की सदारत में ये जलसा हुआ है, एक मीटिंग हुई है और आप लोगों का ये वायदा है कि इंशाल्लाह आप वोट देंगे और उनको भिजाएंगे। गुलबर्गा शहर अमन और शांति से, भाईचारे से, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो, जो एक मिसाल है कि जय श्री माँ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इलेक्शन में यहाँ रहें, इलेक्शन के वास्ते रहें। जय श्री माँ, इलेक्शन हो, ईद हो, कौन से भी काम हो, जबकि हम बीच में गारंटी कार्ड बांटने निकले थे जब भी ये साथ में खड़ी थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित का जो फर्क नहीं होता, वहाँ सुकून और अमान होता है। उसका सबूत ये है पिछले कॉरपोरेशन में 3000 वोट में से 2550 वोट कांग्रेस को मिले हैं। कमरुल इस्लाम साहब ने आपको एक प्यार में सजो के रखा, हिंदू मुस्लिम को सबको एक ऐसे माले में बांध के रखा कि आपने हमेशा उनको जिताते आए, और पिछले 5 साल में मोहतरमा कनीज फातिमा ने आपको उसी सल्तनत को आगे ले जाते हुए, उसी उनके बनाए हुए उस प्यार के माले को एक सूत्र में बांध कर अपना 5 साल उन्होंने आपके बीच में रखा। 40 साल से जिस जगह पे वो नुमाइंदी करते होंगे, उनकी क्या शख्सियत रही होगी, उनकी क्या ख्यालात रहे होंगे कि जो एक सूत्र में सबको, पूरी असेंबली को बांध के रखा। मैंने सुना है 10-12 हज़ार जो है बीजेपी लेके ख़त्म हो जाया करती थी। के पिछले 2014 से 9 साल से बीजेपी की हुकूमत सेंटर में है, आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ इसका? महंगाई के अलावा, नफ़रत के अलावा कुछ फ़ायदा अगर हुआ है तो बताइए। कुछ फ़ायदा अगर हुआ है, मर्द आदमी एक तकलीफ़ से घर के बाहर निकलता है, दिन रात पसीना बहा के वो तकलीफ़ें उठाकर 4 पैसे घर को बचाने लाता है, तो 100 टैक्सेस उसके ऊपर डाल दिए। 100 कमाता है तो घर को माँ बाप मुश्किलन 30 या 35 रुपये भी वो घर को लाने के काबिल का नहीं रह गया। गवर्नमेंट के जो स्कीम्स थे बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, जात पात के वास्ते बीजेपी गवर्नमेंट वो तमाम बंद कर दी। कांग्रेस की सिद्धरामैया गवर्नमेंट में जो कमरुल इस्लाम साहब मरहूम ने स्कीम्स लाए थे, शादी विदाई, आपकी बच्ची की शादी है डॉक्यूमेंट दे दो, 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे थे, वो स्कीम बंद हो गई। KG से PG तक जो बच्चों को स्कॉलरशिप थी वो ख़त्म कर दिए। एक हवा बना दिए, बस मोदी 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 मोदी, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, दहशतगर्द, इससे आपका हमारा क्या लेना है? मैं चाहता हूँ जितने नफ़रत करने वाले गुलबर्गा में फिरे, वो एक बार इस भाड़े में इस जगह पे आए और देखे कि मुसलमान के साथ हिंदू बहनें भी बैठी हुई हैं। ये मोहब्बत, ये देखना ज़रूरी है उनको आकर। अहमद पटेल को वोट देके जिलाते, आज तक कमरुल इस्लाम को आप लोग वोट देते हुए क्या देते? गुज़िश्ता टाइम कनीज़ फातिमा को वोट दिए क्या आप लोग देते? आप लोग नहीं देते। और जीतने के बाद कमरुल इस्लाम साहब मरहूम ने भी आप लोगों को उसी तरीके से रखा, वही इज्जत, वही प्यार। क्या कभी कोई तफरीका पैदा हुआ कि नहीं ये हिंदू की कम्युनिटी है, ये मुसलमान की कम्युनिटी है? ना कनीज़ फातिमा ने वो किया। उसका पेट पालने वाला अल्लाह है, तुम पाल रहे ना। चलो तुम बताओ, तुम कितने हिंदू भाई बहनों को नौकरी दिए, कितने हिंदू भाई बहनों को ही लोन दिए, कितने हिंदू भाई बहनों को ही फ्री में पढ़ा रहे? नहीं,
वो मुसलमान की आड़ में सिर्फ पैसे वालों को पैसा वाला बना रहे और गरीब हिंदू को भी उससे दूर रख दे रहे तरक्की से। ये सब सोचते हुए कांग्रेस पार्टी के 5 एजेंडे आपके सामने इलेक्शन में है। हर घर की औरत के पास 2000 रुपये, 10 किलो चावल एक आदमी को, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बच्चा अगर डिप्लोमा है तो 1500 और अगर ग्रेजुएट है तो 3000 नौकरी लगे तक, और लेडीज़ के लिए फ्री में बस में आपको कोई टिकट पूछने वाला नहीं। इनसे सवाल पूछो अगर आपके बीच में आए तो कि तुम क्या करे आज तक, तुम क्या आबादी लाए, तुम किसका घर आबाद करे। आपको फायदे उठाना है तो आपको मदद करने वाला कौन है? आपको और पूरे शहर को हम तरक्की से महदूद नहीं रख सकते, तो थोड़ा इस चीज़ों को तर करिए और आगे बढ़िए। एक औरत ही आप लोगों के सामने ठहरी है जो बीजेपी से फासिस्ट ताकतों से लड़ रही है। वो औरत के साथ कई बेटे, कई भाई, कई सरपरस्त ठहरे हुए हैं कि हाँ तुम लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो अगर आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो एक बार हाथ उठाइए कि आप लोग कनीज़ फातिमा मैडम के साथ हैं। इंशाल्लाह आपकी इसी हिम्मत पे मैडम को भी हम ये बोलेंगे कि आज लियाकत साहब की सदारत में ये जलसा हुआ है, एक मीटिंग हुई है, और आप लोगों का ये वायदा है कि इंशाल्लाह आप वोट देंगे और उनको भिजाएंगे। गुलबर्गा शहर अमन और शांति से, भाईचारे से, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो, जो एक मिसाल है, वही मिसाल आज संतरासाड़ी में ये देखने को मिलती है। जैसे कि जय श्री माँ है, एक मिनट आओ माँ, हम जो देखते हैं बचपन से देखते हैं, हमारे साथ में खड़े हैं, हमारे मोहल्ले में खड़े हैं और हर काम हमारे साथ करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। जैसे कि जय श्री माँ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इलेक्शन में यहाँ रहे, इलेक्शन के वास्ते रहे। जय श्री माँ, इलेक्शन हो, ईद हो, कौन से भी काम हो, जबकि हम बीच में गारंटी कार्ड बांटने निकले थे जब भी ये साथ में खड़ी थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित का जो फर्क नहीं होता, वहाँ सुकून और अमान होता है। उसका सबूत ये है पिछले कॉरपोरेशन में 3000 वोट में से 2550 वोट कांग्रेस को मिले हैं। तो जब आदमी लोगों के बीच में रहता है, लोगों के बीच में काम करता है, तो लोग देखते हैं, लोग देख के वोट करते हैं। आज ये हमारे साथ खड़े होने की वजह, महिला संतरा साड़ी में अमन है, वार्ड नंबर 28 में अमन है, इसका सबूत बताया जा रहा है। आज हमारे साथ ये दलित भाई सिर्फ इलेक्शन के तक नहीं, ईद हो, बारात हो, हर चीज़ हो, इवन एक मिसाल ये देना चाह रहा हूँ मैं, लॉकडाउन में जब दलित भाइयों के लिए दूध भेजा जाता था गारमेंट के तरफ से, वो दूध बसता था, वो दूध हमारे मुसलमान भाइयों को इन्होंने दिया है, दलित भाइयों ने दिया है। और ये हकीकत है, हमने इलेक्शन ये जाति धर्म इसके नाम पे नहीं मांगे, हम इलेक्शन में ये भाईचारगी के नाम पे वोट मांगे हैं, भाईचारगी के नाम पे उन्होंने वोट दिए हैं, भाईचारगी के नाम पे हमने वोट जीते हैं। आज फिर हम सब लोग आज जो कांग्रेस के लिए यहाँ जमा हुए, जो आने वाले 10 तारीख को MLA इलेक्शन है, उस दिन ये साबित करना है कि हम सब के सब मुत्तहिद हैं। जैसे कि मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा महल्ले में वार्ड नंबर 28 में गारंटी कार्ड की शुरुआत की थी, वो गारंटी कार्ड में ये है कि हर औरत को 2000 रुपये, 10 किलो चावल और 200 यूनिट बिजली फ्री। हाल ही में 2 दिन पहले फिर एक जो भी महिलाएं हैं उनको बस का फेयर फ्री रहेगा, वो भी ऐलान हो चुका है। और लोग बोलते हैं ये गारंटी कार्ड क्या है, गारंटी कार्ड इसलिए बोल रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं हम। अगर हमें बोलना होता तो हम सिर्फ इसमें इलेक्शन में बोल देते, ऐसा नहीं है। घर घर जाकर वहाँ के जो एरिए के जो जिम्मेदार है, एरिए के जो कारपेंटर है, उनको साथ में लेके जाकर ये गारंटी कार्ड बांटा गया है। इसके वास्ते साथ में लेके बांटा गया, कल के दिन अगर हुकूमत हमारी कांग्रेस की आती है, गारंटी कार्ड देने का जो वादा की है, अगर नहीं देती है तो ये लोग हमें पूछ सकते हैं, हमें साथ में ले जाने का। मोहतरमा कनीज़ फातिमा डोर टू डोर जाके बोलने की वजह ये है कि ये पक्का देने का है। जब कब देना है ये, अगर हुकूमत कर्नाटक में आती है तो, अगर हुकूमत कर्नाटक में आने के बाद से आप सब लोग हमें वोट देना चाहिए, है कि सीट जिताना चाहिए, मोहतरमा कनीज़ फातिमा को जिताना चाहिए।
मोहतरमा कनीस फातिमा के डेवलपमेंट वर्क आप देख सकते हैं, यहाँ जो पानी के टाकी बन रही है 2,25,00,000 की, 10,00,000 लीटर की, इंशाल्लाह आने वाले 6-8 महीने में 24 घंटे का पानी का मसला हल हो जाएगा, जो हमारे मोहल्ले में सब में ज़्यादा मुश्किलात है। ऐसा नहीं कि हर वार्ड में मुश्किलात है, हमें सब में ज़्यादा सहूलत यह है कि आज ऑलरेडी टैंक बन के खड़ी हो चुकी है। रही बात रोड के काम, डेवलपमेंट के काम, ड्रेन के काम, गार्डन के काम, सब काम हो रहे हैं, और दूसरी जो कुछ भी बची हुआ है आने वाले MLA इलेक्शन में जब वोटिंग होंगी वो फिर से चुन के आएंगे इंशाल्लाह, तो बचे हुए काम भी करेंगे। रही बात मेरी, पिछले 8 साल से ज़मीन पर रह के काम करने के बाद आप लोगों ने मुझे जिता के लाया, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जीत के आने के बाद 20 महीने से मुसलसिल मैं आपके लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, चाहे बोरवेल का काम हो, नाली का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, शादी हो, जो भी हो, मैं ये जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जीत के अपने घर में बैठ सकता था। लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम कारपेंटर नहीं आ रहा, उन्हें ये पता नहीं कि मैं 20 महीने से जीतने के बाद जो काम कर रहा हूँ वो ओटी मांग रहा हूँ। मैं मोहतरमा कनीस फातिमा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हम जो भी काम करेंगे मिल के काम करेंगे, जो इतिहास पहले भी दिखा चुके हैं अभी भी इतिहास दिखाएंगे। सबका विकास, सबका साथ, सबको लेके चलना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, चाहे वो SC हो, OBC हो, कोई भी हो, सर्व धर्म को लेके चलने वाली पार्टी अगर कोई है 150 सालों में तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 50% जो है पार्टी का नाम देखा जाता है और 50% जो है कैंडिडेट का नाम देखा जाता है। आप कैंडिडेट के बारे में ये बताएंगे 40 साल से जिस जगह पे वो नुमाइंदी करते होंगे उनकी क्या शख्सियत रही होगी, उनकी क्या ख्यालात रहे होंगे कि जो एक सूत्र में सबको पूरी असेंबली को बांध के रखा। मैंने सुना है 10-12 हज़ार जो है BJP लेके ख़त्म हो जाया करती थी, BJP को ढूंढे ढूंढे कैंडिडेट नहीं मिलता था। तो आप उस हलके से हैं जिन्होंने आपका हमेशा ख्याल रखा है। मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये इलेक्शन है नफ़रत का बाजार फैलाने वालों को खात्मे का इलेक्शन है। जी अगर NCR लागू हो गया तो उसमें तकलीफ जो है वो हमारे को ज़्यादा होने वाली है और हमारे नामों को ही काटा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बाप दादाओं का प्रूफ लाओ, मेरे पास खुद नहीं मिलेगा दादा के दादा के दादे का प्रूफ, कहाँ से लाएंगे। छोटा चुनाव जब होता है तो उसमें आप व्यक्तिगत पहचान देखते हैं, छोटे मोटे काम देखते हैं, आप देते हैं वोट वो जीतते हैं, मगर बड़े चुनाव उससे थोड़ा अलग होते हैं, उसमें आपको कई मसले देखने हैं। अभी जैसे असम का एक मुद्दा उन्होंने रखा कि असम में अभी भी लगभग 19,50,000 लोगों का नाम NRC में कटा हुआ है, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, 13,25,000 हिंदू भाई हैं। अब हिंदू भाइयों को ये लगता है कि हम तो CAA का इस्तेमाल करके भारतीय नागरिक बन जाएंगे, मगर भारतीय नागरिक बनने के लिए उसका रूल्स क्या है कि उनको कम से कम 6 साल, 12 साल आपको द्वयम नागरिक बनना पड़ेगा, प्रथम नागरिक आपने आपको वोट का अधिकार नहीं रहेगा। जो बच्चे उसमें कुछ नियम है, कोई इतने साल पहले पैदा हुए ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ बना है तो इतने साल बाद वोट डाल सकते हैं। आप नागरिक तो बन जाएंगे मगर आप द्वयम दर्जे के नागरिक बनेंगे, प्रथम दर्जे के नागरिक नहीं बन पाएंगे, तो ये एक समस्या है। आपको लगता है कि धर्म के नाम पे दिखाया कुछ और जा रहा है मगर असलियत में होता कुछ और है। और मुसलमान समाज का क्या हाल है, आप पिछले 8 साल से जब से मोदी जी आए हैं तब से आप देख ही रहे हैं कि हर बात को हिंदू मुस्लिम कर करके हिंदू मुस्लिम में उलझाकर दबा दिया जा रहा है। महंगाई अपने चरम पे है, नफरत इतना है कि आपके इस गुलबर्गा शहर में बहुत अच्छा और शांति का माहौल है। पिछले 40 सालों से कमरुल इस्लाम साहब ने आपको एक प्यार में सजो के रखा, हिंदू मुस्लिम को सबको एक ऐसे माले में बांध के रखा कि आपने हमेशा उनको जिताते आए, और पिछले 5 साल में मोहतरमा कनीज फातिमा ने आपको उसी सल्तनत को आगे ले जाते हुए, उसी उनके बनाए हुए
उस प्यार के माले को एक सूत्र में बांध कर अपना 5 साल उन्होंने आपके बीच में रखा।